माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम सॉरी दुनिया का पहला गेम जो कि पेड है फिर भी सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है। फ्रॉम जावा एडिशन पीसी PS5 से लेकर एंड्रॉइड फोन हर जगह ये गेम अवेलेबल है, लेकिन हर जगह इसे खेलने के लिए देने पड़ते हैं पैसे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोग इसे ही खेलते हैं। एंड इवन माइनक्राफ्ट की टोटल सेल्स 238 मिलियन है जो कि GTA 5 से 60 मिलियन ज्यादा है। लेकिन क्यों? GTA 5 में गन है, मैप है, मिशन है, लड़ाई है, पुलिस है, सब कुछ है GTA 5 में, लेकिन फिर भी क्या खास है इस माइनक्राफ्ट में कि जो कि लोग इससे ज्यादा खेल रहे हैं और पैसे दे के खेल रहे हैं। जी फ्री में अवेलेबल है फिर भी सबसे ज्यादा लोग माइनक्राफ्ट ही खेल रहे हैं, जबकि पबजी के ग्राफिक्स यार काफी बेटर है माइनक्राफ्ट से। अकॉर्डिंग टू गूगल इसका बस एक ही मेन रीजन है, वो है इसका टू डू एनीथिंग एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल, माइनक्राफ्ट में आपका जो मन आप वो कर सकते हो। इसमें आपको जो भी वर्ल्ड मिलता है वो इनफाइनाइट होता है, बस आपको अपनी क्रिएटिविटी से अपनी दुनिया को सजाना है, अपने साम्राज्य को बनाना है एंड सर्वाइव करना है। यही अनलिमिटेड क्रिएटिविटी आइडिया बनाता है इस गेम को सबसे अलग, क्योंकि ऐसा यूनिक आइडिया वाला गेम और किसी भी गेम में नहीं है, इसीलिए ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन टाइम के साथ इस गेम की पॉपुलरिटी को देखते हुए इसे मोबाइल के लिए भी लॉन्च कर दिया गया था। एंड सारे डिवाइसेस की तरह अगर आप इस मोस्ट पॉपुलर गेम का मजा अपने मोबाइल फोन में लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको देने पड़ेंगे पूरे के पूरे 650 रुपए। लेकिन रुको, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे गेम्स बताऊंगा जो कि एग्जैक्ट कॉपी है माइनक्राफ्ट की, एंड इन्हें आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके खेल भी सकते हो। तो मतलब अब आपको माइनक्राफ्ट का मजा एकदम फ्री में मिलने वाला है। और हाँ, ये सारे गेम्स एकदम डिट्टो कॉपी है माइनक्राफ्ट के, तो इनमें आपको माइनक्राफ्ट के सारे सेटिंग्स, सीड्स, वर्ल्ड, स्किन्स, ग्राफिक, टेक्सचर एंड इवन आपको माइनक्राफ्ट के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड इवन इन गेम्स में कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो कि आप अपने लो एंड डिवाइस में भी खेल सकते हो, वो भी बिना ग्राफिक सेटिंग्स चेंज किए। तो यार ओवरऑल सारे गेम्स बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग है। और हाँ, ये सारे गेम्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, तो इन्हें आप इजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 1 लोकी क्राफ्ट। ये गेम माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉपी गेम है। इस गेम के प्ले स्टोर पे 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है एंड इसका साइज सिर्फ और सिर्फ 40 MB है। तो मतलब आप इस गेम को किसी भी लो से लो इन डिवाइस में खेल सकते हो एंड इवन माइनक्राफ्ट का बिल्कुल RTX जैसे ग्राफिक्स के साथ। ये गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप इसे काफी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसका इंटरफेस यार काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। जैसे ही ओपन करोगे सिंपली आपको प्ले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नया वर्ल्ड बना सकते हो, सिंपली जैसे माइनक्राफ्ट में बनाते हो माई वर्ल्ड, सर्वाइवल या क्रिएटिव आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको सिंपली क्रिएट वर्ल्ड पे क्रिएट कर देना है एंड एक क्लिक में यार आपका लिटरली एक क्लिक में वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हो यार, आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम माइनक्राफ्ट जैसा वर्ल्ड देखने को मिलेगा। सेम तरीके से यहाँ पे आप कोई भी ब्लॉक्स को प्लेस कर सकते हो एंड बाकी सारे जितने भी मॉन्स्टर हैं, जितने भी ग्राफिक्स हैं, जितने भी इसमें आपको पेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स है, ये सब कुछ इस गेम में मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि सारे गेम्स जो है वो माइनक्राफ्ट के कॉपी हैं, तो सारे माइनक्राफ्ट के फीचर्स इसमें अवेलेबल जरूर से रहेंगे। तो इवन अगर मैं बताना भूल भी जाऊं तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप यहां पे पानी की भी ग्राफिक्स देख सकते हो, काफी ज्यादा अमेजिंग ही है, कमाल की दिख रही है। एंड यहां पे आप यहां पे ब्लॉक्स के भी डिजाइन को देख सकते हो, ठीक है। अभी आ जाओ फटाफट से, हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसा है अपना ग्राफिक्स इस लोकी क्राफ्ट का, ठीक है। तो देख सकते हो लिटरली मतलब एकदम सिमिलर लग रहा है माइनक्राफ्ट से, ठीक है, सब कुछ एकदम सिमिलर है। बात करते हैं सेटिंग्स की, तो यहाँ साइड में मोर पे क्लिक करोगे तो ये आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें कि आप साउंड वॉल्यूम, डिफिकल्टी, थर्ड पर्सन व्यू सेलेक्ट कर सकते हो एंड इवन डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। बाकी यहाँ पे माइनक्राफ्ट की तरह सेटिंग्स है, अगर आप सेंसिटिविटी अपना बढ़ाना चाहते हो तो, स्प्लिट कंट्रोल ऑन करना चाहते हो तो, ठीक है, बटन साइज भी है, ऑटो जंप है, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड उसके बाद कुछ ब्राइटनेस और रेंडर डिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। ये देखो, अगर मैंने इसे मिनिमम कर दिया तो सामने का लोड नहीं हो पा रहा है, और बढ़ा दिया तो सामने का लोड हो जा रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो लोकी क्राफ्ट 50 MB में काफ़ी बढ़िया आपको एकदम सिमिलर सा माइनक्राफ्ट की तरह एक्सपीरियंस देगा। इसमें आपको माइनक्राफ्ट की तरह सेटिंग्स भी मिल जाएंगे, इंडर ड्रैगन सब कुछ इसमें अवेलेबल है यार, तो आप अपना वर्ल्ड काफ़ी इजीली बना के खेल सकते हैं। नंबर 2 मिनी क्राफ्ट। ये गेम भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जैसा कि नाम है इसका साइज काफ़ी मिनी है यार। ये सिर्फ और सिर्फ 30 MB का गेम है एंड इसके साइज पर बिल्कुल मत जाना, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कॉपी है माइनक्राफ्ट का। गेम को ओपन करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी इंटरफेस है। ऑप्शंस में जाओगे, यहाँ पे आपको सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे, बिल्कुल माइनक्राफ्ट या फिर लोकी क्राफ्ट की तरह, ठीक है, सेम टू सेम सेटिंग्स है यार, एकदम एग्जैक्ट कॉपी है
बाकी यहाँ पे भी आपको स्प्लिट कंट्रोल, बटन साइज, ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, रेंडर डिस्टेंस, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, खेलने के लिए सिंपली आपको प्ले पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड अगर आपके पास इंटरनेट रहेगा तो यहाँ पे वर्ल्ड शो करेगा जिसे कि आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके भी 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, तो इसमें भी आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हो एंड इवन आपको प्लेयर्स मिल जाते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्वाइवल क्रिएटिव दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट वर्ल्ड पे क्लिक करना है एंड बूम, सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पे आपका वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा सब। बाकी यार फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे अपना माइनक्राफ्ट जो है वो ओपन हो चुका है। इसके आप ग्राफिक्स देख लो यार, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड बिल्कुल सिमिलर है माइनक्राफ्ट के। सेटिंग्स तो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर है माइनक्राफ्ट के, और ये जो सर्कल आ रहा है इसे आप हटाना चाहते हो तो सेटिंग में स्प्लिट कंट्रोल ऑन कर लेना, हट जाएगा। बाकी आप वर्ल्ड देखो कितना बड़ा वर्ल्ड है एंड कितना सिमिलर सा है। ठीक है, और नीचे हम लोग पानी देखते हैं, जरा पानी कैसा है यहाँ पे देख सकते हो यार, नीचे पानी है लिटरली, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल का यार इसका भी वर्ल्ड है। सिर्फ 30 MB साइज में आपको इस ग्राफिक्स के साथ देखने को मिल रहा है ऐसा पानी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गेम है लिटरली, मतलब इसके साइज में मत जाना। अगर आप माइनक्राफ्ट की तरह गेम्स खोज रहे हो तो इसे ज़रूर से ट्राई करना। माइनक्राफ्ट के सारे पेट्स, इंडर ड्रैगन एंड जो भी इसमें फीचर्स अवेलेबल होते हैं माइनक्राफ्ट में, वो सब कुछ आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा लिटरली कमाल का लग रहा है। यहाँ पे इवन अगर आप टॉर्च प्लेस करोगे तो और ज़्यादा चमक रहा है, तो इसके तो ग्राफिक्स मुझे यार अच्छे लगे। इवन माइनक्राफ्ट में जब आप RTX शेडर्स लगाते हो ना तो ऐसे ग्राफिक्स मिलते हैं, तो मतलब काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। नंबर 3, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। ये गेम यार बिल्कुल सिमिलर है माइनक्राफ्ट के। इसके यार प्ले स्टोर पे 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, इसका साइज 400 MB होने वाला है एंड ऑब्वियसली साइज के अकॉर्डिंग ये गेम भी है। इसमें भी आपको माइनक्राफ्ट के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आज आप फटाफट से गेम में आके देख लेते हैं। गेम को ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं सेटिंग्स में, देखते हैं सेटिंग कैसी कैसी है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा एंड ऑब्वियसली वो सारे स्प्लिट कंट्रोल्स एंड वगैरह वगैरह है। बाकी प्रोफाइल्स देखने को मिल जाएंगे, टेक्स्चर पैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी देखो मैंने ओरिजिनल टेक्स्चर सेलेक्ट किया है जिसको कि मैं हटा देता हूँ। अभी फिलहाल एक्टिव है कौन सा, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। ठीक है, अभी आ जाओ हम लोग करते हैं प्ले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। हम पहले प्ले पे जाते हैं उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, मैं अपने वर्ल्ड में ही चला जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस गेम में। बाकी यार देखो ये गेम सिमिलर है माइनक्राफ्ट के, तो आपको माइनक्राफ्ट के सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे, वो यार दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एंड इवन इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, तो इसमें आपको मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहो तो अलग अलग प्लेयर के साथ खेल सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये देखो मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड में एंड फिलहाल आप ग्राफिक्स देख लो। थोड़ा सा यार आपको माइनक्राफ्ट की तरह नहीं लग रहा होगा क्योंकि फिलहाल ये माइनक्राफ्ट की तरह नहीं है। ठीक है, तो इसको माइनक्राफ्ट की तरह करने के लिए सिंपली आपको यहाँ सेटिंग सेव एंड क्विट कर देना है। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिले तो सिंपली आप सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद टेक्सचर पैक में जाओ एंड इसको प्लस पे क्लिक करके एक्टिव कर दो। ये ओरिजिनल टेक्सचर जैसे ही एक्टिव हो जाएगा आपको बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह यहाँ पे टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से क्रिएट करके अपना एक नया वर्ल्ड। तो ये देखो फाइनली अपना वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे फिलहाल आप पानी देख सकते हो यार कैसा है अपने पास, यहाँ पे आप टेक्सचर्स देख सकते हो यार कैसा है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, एंड जैसे कि आप माइनक्राफ्ट में यार पेड़ उड़ को काटते हो वैसे भी यहाँ पे कर सकते हो, ब्लॉक्स आपको मिलेंगे एंड ब्लॉक्स को लेके आप बना सकते हो काफ़ी ज़्यादा इजिली। बाकी यार इसमें मल्टीप्लेयर भी अवेलेबल है एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको डेमन्स भी देखने को मिलेंगे अगर आप ओरिजिनल टेक्स्चर पैक को सेलेक्ट नहीं करते हो तब। जैसे ही ओरिजिनल टेक्स्चर पैक सेलेक्ट करोगे ये गेम माइनक्राफ्ट हो जाएगा, बस इतना समझ लो आप, इजी पीजी। ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे ओरिजिनल टेक्सचर पे। एंड हाँ ऑब्वियसली इसमें भी आप अपने अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो जैसे कि माइनक्राफ्ट में आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें भी अवेलेबल हैं। एंड ये भी गेम यार बिल्कुल सिमिलर है माइनक्राफ्ट की तरह एंड इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज़रूर से चेकआउट करना। नंबर 4, माइनक्राफ्ट इंडिया। एंड जैसा कि नाम बता रहा है ये गेम बिल्कुल सिमिलर है माइनक्राफ्ट के एंड इसमें आपको इंडियन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि माइनक्राफ्ट के अंदर ही आपको ताजमहल, इंडिया गेट एंड इंडिया के और भी काफी फेमस प्लेसेस देखने को मिलेंगे। इस गेम के अंदर ही आपको इंडियन ऑटो, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल सब कुछ देखने को मिलेगा एंड इवन इस गेम के अंदर ही आपको इंडियन गॉड गॉडेस भी देखने को मिलेगा एंड गॉड को पूजा करने का जो वो स्टेप्स होते हैं, आरती का जो वो स्टेप्स होता है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा एज ए इमोट। तो काफी ज्यादा अमेजिंग इस गेम के अंदर फीचर है यार, लिटरली आपको इंडियन फीलिंग आने वाली है तो काफी मजा आएगा। बाकी इस गेम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको माइनक्राफ्ट का एड ऑन मैं दे दूंगा, उस एड ऑन को सिंपली आपको माइनक्राफ्ट में अप्लाई कर देना है। माइनक्राफ्ट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली माइनक्राफ्ट को ओपन करना है, एड ऑन को अप्लाई कर देना एंड माइनक्राफ्ट इंडिया आपका आ जाएगा। तो आपको इसमें सारे इंडियन फीचर्स मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर से ट्राई करना यार, लिटरली काफी मजा आएगा इस गेम में आपको।
नंबर 5 क्राफ्ट्समैन 4, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि माइनक्राफ्ट का 2.0 जो है उसका नाम है क्राफ्ट्समैन 4, ठीक है। माइनक्राफ्ट के सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ये भी एक काफी पॉपुलर वर्जन है माइनक्राफ्ट का एंड काफी बढ़िया वर्जन है। लिटरली मतलब माइनक्राफ्ट को सीधे उठा के और छाप दिया गया है, इतना इनफ होगा बताने के लिए कि ये गेम कितना सिमिलर है माइनक्राफ्ट से, ठीक है। एंड मेक श्योर जब भी आप इस गेम को ओपन करते हो आप डेटा मत ऑन करना, नहीं तो ऐड दिखाने लगेगा। बाकी सेटिंग्स में जाओगे तो वही सारी माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स मिल जाएंगी जो कि मैंने आपको पहले भी गेम्स में दिखा चुके हैं। प्ले पे सिंपली क्लिक करो, माई वर्ल्ड पे जाओ और आओ देखते हैं कि गेम के ग्राफिक्स कैसे हैं, टेक्सचर्स कैसे हैं, क्या क्या गेम में है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि गेम एग्जैक्ट कॉपी है माइनक्राफ्ट का, ठीक है, तो आप समझ जाओगे क्या क्या इस गेम में होगा। बाकी जैसे गेम को ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड ये देखो यार टेक्सचर, पहले आप देखो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगा जैसे घास हो गया, पेड़ हो गया, इवन इसमें पानी के जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने में लगते हैं, माइनक्राफ्ट से भी बढ़िया, ठीक है। इस गेम को आप एक बेटर रिप्लेसमेंट कर सकते हो यार माइनक्राफ्ट का। ये देखो पानी कैसा है, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। बाकी जैसे कि माइनक्राफ्ट में कर सकते हो इसमें भी कुछ चीट कोड्स आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप सेटिंग्स में जा सकते हो एंड रिज्यूम कर सकते हो चाहो तो गेम को। क्राफ्टिंग टेबल उबल जो चाहो वो यहाँ से बना सकते हो यार, जो कि आप माइनक्राफ्ट में करते ही हो नॉर्मली, ठीक है। बाकी मेन चीज़ जो देखने लायक है वो ये है कि ग्राफिक्स इसके कैसे हैं, तो देख लो ग्राफिक्स कैसे हैं। इस गेम का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। क्राफ्टमैन 4 सर्च करके डाउनलोड कर लेना एंड एक बार जरूर से ट्राई करना। बाकी आप देख सकते हो इसके टेक्सचर कैसे आपको देखने को मिलेंगे एंड नॉर्मली आप इसे प्लेस भी कर सकते हो। तो दैट्स ऑल। हाँ ठीक है, मैंने 5 बता दिए लेकिन इतने देर तक वीडियो देख रहे हो तो एक और बता देता हूँ। नंबर 6 आइसक्राफ्ट, ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, काफ़ी पॉपुलर कॉपी है माइनक्राफ्ट का। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं से डाउनलोड कर लो। आ जाओ गेम में देखते हैं कैसा है। ये देखो जैसा कि नाम से क्लियर है आइस तो बर्फ होंगे। बाकी अब यहाँ एडवेंचर पे क्लिक करोगे ना तो हेलोइन क्रिसमस देखने को मिलेंगे। तो अगर क्रिसमस पे क्लिक करते हो तो आपको सारा बिल्कुल सिमिलर क्रिसमस का एक वर्ल्ड आ जाएगा एंड उसमें आप अपने हिसाब से जो चाहो वो कर सकते हो। हेलोइन पे क्लिक करोगे हेलोइन का आ जाएगा। मैं आपको फिलहाल देखो क्रिसमस का दिखाता हूँ, ये देखो क्या चल रहा है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गेम है, लिटरली मज़ा आएगा अगर आप इसे एक बार खेलोगे तो। ये देखो यार मतलब, और टेक्सचर की जहाँ तक रही बात तो सब कुछ बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह सिमिलर है। एंड ये देखो ना यार कितना मजा आएगा एक्सप्लोर करने में, पूरा क्रिसमस का एक वर्ल्ड आपको सिर्फ एक क्लिक में मिल जाएगा एंड सिमिलरली पूरा यहाँ पे आपको हेलोइन का एक क्लिक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडवेंचर पे क्लिक करके हेलोइन में जाना, देख लेना काफ़ी कमाल का ही है। बाकी देखो यहाँ पे क्रिएटिव है एंड एक सर्वाइवल है, सर्वाइवल पे क्लिक करके सर्वाइवल में जाओ, क्रिएटिव पे क्लिक करके क्रिएटिव में जाओ। तो माइनक्राफ्ट की तरह ही 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक एक्स्ट्रा है एडवेंचर वाला, उसको आप देख लेना, ठीक है। फिलहाल ये देखो मैं आ गया यहाँ पे सर्वाइवल में एंड ये देखो इसके कैसे टेक्सचर्स हैं। ये देखो जगह जगह पे बर्फ गिरी है जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक्स्ट्रा गेम है तो आप चाहो तो इसे जरूर से ट्राई करना यार, काफ़ी बढ़िया कॉपी है माइनक्राफ्ट का, तो ये भी आपको काफ़ी मजा ही देगा, ठीक है। ये देखो यार काफ़ी मतलब आपको नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है दिख रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये आई बटन पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, TPP FPP जो चाहो उसमें आप खेलो यार, काफ़ी मजा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई कर लेना। बाकी मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको 6 माइनक्राफ्ट के एग्जैक्ट कॉपी गेम्स बता दिए जो कि बिल्कुल सिमिलर है माइनक्राफ्ट के एंड जो कि फ्री टू प्ले हैं। बाकी मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप मल्टीप्लेयर इन गेम्स में नहीं खेल रहे हो तो मोबाइल डेटा को ऑफ करके खेलना, नहीं तो ऐड देखने को मिल सकते हैं क्योंकि फ्री में अवेलेबल है तो ऐड तो आएंगे ही। बाकी ये सारे गेम्स यार एकदम सिमिलर है माइनक्राफ्ट को, तो माइनक्राफ्ट के सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इवन मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना, क्लियर कर दूंगा। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे यार माइनक्राफ्ट एंड और भी अदर गेमिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलता हूं आपसे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में।